अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं वीडियो में आपको सिखाऊंगी मोती के फूल बनाना। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे मोती के फ्लावर्स। पहले मैंने आपको बर्ड बनाना सिखाई थी, आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लावर बनाने सिखाने। और फ्लावर्स अमूमन हमारी अम्मियाँ बालों में कानों में लगा ही रही होती हैं, तो अच्छा है अब घर के बने हुए फ्लावर्स लगाएँ तो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे और वेटलेस भी होंगे, क्योंकि मैं फोमिक क्ले से बनाना सिखाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस डो से भी चाहे बना लें, फोमिक से बनाएंगे तो हल्के बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, तो आप मेरे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है वो आप हिट कर लीजिएगा, ऑल पे कीजिएगा तो तमाम वीडियोज़ आपको एट अ टाइम मिलेंगी। और साथ साथ आप जो है शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने आपको बेलना बताया था, इस तरीके से ही इसे बेलना है कली को भी। ये थ्री स्टेप है, आपको पहला स्टेप नज़र आ रहा है, पहले स्टेप की वही कली है जैसे हमने पहले बनाई थी, फिर ये दो हमने पेटल्स और लगाई हैं इसमें। आप ओरिजिनल मोतिया उठा के देखें तो उसमें इसी तरह थ्री पेटल्स का होता है मोतिया का फ्लावर। इसकी हमने जो बर्ड लेनी है वो तो हमने नॉर्मल साइज़ का ही लेना है राउंड। मैं आपको बता देती हूँ कि कितने साइज़ के राउंड पर काम चलेगा, तकरीबन एक चुटकी में आपके जितना आ जाए ना इतना राउंड लेना है एक, फिर इससे ज़रा बड़ा लेना है, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं, दो तकरीबन से इक्वल साइज़ लग रहे हैं, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि ज़रा सा बड़ा चाहिए हमें। ठीक है, और फिर तीसरा जो है वो इस वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये मैंने आपको इसलिए रख के दिखाया है कि आपको आइडिया हो जाए कि बहुत हल्के हल्के से फ़र्क के साथ हमने ये थ्री राउंड्स जो है वो इस फ्लावर के लिए करने हैं। और ये क्योंकि फोमिक क्ले से मैं बना रही हूँ तो मैं इन राउंड्स को बना के नहीं रखूँगी, साथ के साथ मैं बनाती जाऊँगी और करती जाऊँगी। जब मैंने ये इस तरह बना लिया तो अब मैं इसके अंदर कट्स लगाऊँगी, पांच कट्स लगेंगे इसके अंदर। आज ज़रा मेरे कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी आउट है तो हो सकता है आपको ज़रा अच्छा नज़र ना आ रहा हो। आपने जो कट्स लगाए हैं उन्हें आप पकड़ के इन पेटल्स को मोड़ती चली जाएं। अब ये हमारा जो कट है ना ये वाज़े नहीं लगा है, अगर अंदर की तरफ मुड़े तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये कट्स हमने एज इट इज़ तो रखने नहीं, हमने इनको बेलना है। ये देखिए ये वाला कट ख़राब है तो हम इसे अगेन लगाएंगे, थोड़ा बहुत एरर आता है उसे हमने खुद ही मैन्युअली सेट करना होता है। मेरे पास ये कलर कैम की स्टिक है, फ्लोरल स्टिक, फ्रिल वाली स्टिक होती है। ये देखिए इसके ऊपर आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, इससे मैं इसको बेलूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादी शाश्लिक स्टिक से भी बेल सकती हैं, लेकिन शाश्लिक स्टिक को आप थोड़ा सा जो है वो चिकना कर लीजिएगा अगर कोई और क्ले यूज़ करें आप। थोड़ी सी रैंडम मिलेंगी, ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आगे पीछे भी हो रही हैं तो आपने इसे बेल के सेट करना है। जैसे थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है इसे हम बेल के सेट करेंगे। देखें हो गई सेट, इसी करेंगे वाली। अब इनको आपस में उठा के स्टिक करेंगे, फिर इसे इसके साथ जोड़ेंगे, इसे इसके साथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा आउट हो रहा है, और फिर इसे इसके साथ जोड़ के ये थोड़ी सी क्लोज बर्ड हमारी बन गई है। ठीक है, अब जैसे ही हमारी बर्ड बनेगी ना हम इसे थोड़ा सा पॉइंटेड करेंगे और इस तरह करके नेल से कट कर लें, सीज़र से कट कर लें, लेकिन इसे हमने थोड़ा सा पॉइंटेड रखना है। इसकी वजह मैं आपको अभी बता दूंगी क्यों रखना है इसे।
अब जो मेरी क्ले है क्योंकि मैंने हाथ में से निकाली थी, थोड़ी सी ये हार्ड होती है, पंखा लग के हवा लगती ही इसे थोड़ी सी ये हार्ड होने लग जाती है। अच्छा, ये मैंने ड्रॉप शेप बनाया। अब मैंने ये वाली स्टिक से मैंने बेलना है, क्योंकि बड़ी जब हम बनाते हैं ना कोई चीज़ तो ज़्यादा बात है स्मूथ हमें चाहिए, तो हम इसलिए ये वाली स्टिक से बेलेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है इट्स ओके, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे बेल लें। कैमरे के ऊपर से मुझे हाथ घुमा के जो है ना ये बेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो सेटिंग थोड़ी सी आज आउट है, क्योंकि वो जिस सेटअप पे मैं काम करती हूँ इस वक्त वो सेटअप एक्टिव नहीं है, और लाइट भी गई हुई है, तो अब जैसे भी हमने काम करना है तो बस करना ही है ना, काम करने के लिए तो फिर रीजनिंग नहीं होती, फिर तो काम है तो फिर करना है। चार और ये पांचवा कट, ये पहला कट ज़रा सा मेरा आउट। अब ये देखें पांच कट लग गए, इनको अब मैं होल्ड करूँगी, ये वाला कट नहीं लगा है। अब वो मैं कैमरे में देख के लगा रही हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कट ही नहीं लगा है। देखें अब ये इस तरीके से थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसे फोल्ड करते जाएं। इसी तरह जो है पांच तीसरी पेटल भी जो हमारी है ना वो भी इसी तरह बनेगी, बस थोड़ा सा जो है वो हमें क्या करना होगा, बड़ा बॉल लेना होगा और वो तीसरी भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने बेल लिए, अब मैं इसको आपके सामने अटैच करके दिखाऊंगी। इस वाली बट के साथ ही मैंने पॉइंटेड एरिया इसलिए छोड़ा था कि हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बट हमारी अभी थोड़ी सी कच्ची है तो बहुत एहतियात से ज्वाइन करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट करेंगे, थोड़ी सी इस तरह ये हमारी ट्विस्ट हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये निकलने लगी है ड्राई होके तो आप यहाँ वाइट ग्लू भी स्टिक कर सकती हैं, और इसका भी वही हाल हमने करना है, पीछे से पॉइंटेड करना है और तोड़ देना है, ठीक है। पॉइंटेड इसलिए करेंगे कि हम इसे थर्ड वाले में इंसर्ट करेंगे। ये देखें आखिरी वाली जो पेटल है वो मैंने बेल ली है, ये मेरा फ्लावर रेडी है और मैं इसे इसके साथ अटैच कर दूंगी, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से अटैच करना है, ये अटैच हो गई। अब ने ये वाली पेटल को ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर फोल्ड करना, ठीक है, ये वाली पेटल को थोड़ा सा नीचे नीचे करना है, क्योंकि जब फूल खुलता है तो वो थोड़ा सा ऊपर हुई भी होती है पेटल्स। अभी ये पूरा फूल खुला नहीं है, मतलब ये सेकंड वाली पेटल पूरी खुली नहीं है, जबकि थर्ड वाली पेटल हमारी पूरी खुल गई, तो उस हिसाब से हमने इसकी सेटिंग कर देनी है। और ये हमारी फ्लावर की कली और बर्ड हमारी जो है पूरी खिल के फूल बली हुई रेडी है, आपके सामने है, आप बना के देखिएगा, ठीक है। नीचे से हमने इसे ब्रेक कर देना और हल्का सा टेंट करके इसे प्रेस कर देना ताकि लगाने में आसानी हो, ठीक। अब मुझे बताइएगा इसका रिव्यू करके कैसी लगी आपको, कैसी बनी, क्या मतलब आपके व्यूज़ हैं इसके बारे में, आपने ये बना के देखनी है मुझे बतानी है, कोई मुश्किल आए कोई प्रॉब्लम आए आपने ज़रूर शेयर करनी है। इंशाल्लाह और किसी फ्लावर के साथ और किसी क्राफ्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, आप लोगों की कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।